हेलो दोस्तों, आप सभी को जय मसीह की स्वागत किया जाता है एक और नई वीडियो में। रात की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना। एक बार फिर से हम रात की प्रार्थना के साथ उपस्थित हुए हैं। पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो यीशु मसीह ने हम सभी को संभाल के रखा है, जीवित रखा है, सुरक्षित रखा है, जीवितों के बीच में जीवित रखा है। मेरे प्रियजनों, इसके लिए महान जीवित परमेश्वर का हम सभी लोग धन्यवाद देंगे, ठीक है? क्योंकि वही महिमा करने के योग्य है, तारीफ करने के योग्य है, स्तुति प्रशंसा बढ़ाई करने के योग्य है। मेरे प्रियजनों, आज हम फिर से रात की प्रार्थना के साथ हाजिर हुए हैं। प्रभु आशीष दे, वेलकम, स्वागत करते हैं। प्रभु यीशु मसीह महान है, जीवित है, उसकी करुणा सदा की, अनंत काल के। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है और यह अनंत जीवन उसके पुत्र में है, यीशु मसीह में है, ठीक है? आप सभी प्रभु से प्रेम करो, उसकी आज्ञाओं को मानो, उसके वचनों पर चलो, क्योंकि यीशु मसीह आने वाले हैं। प्रभु अचानक आएगा। यीशु मसीह ने हम सभी से इतना प्रेम किया, मेरे प्रियजनों, इतना प्रेम किया, उसने कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा, उसके हाथों पैर में कीले ठोकी गई, 49 कोड़े लगवाए गए, मुख पर थूका गया, कांटों का ताज बनाया गया, सिर्फ हम सभी के खातिर। मेरे प्रियजनों, हम सिर्फ हम सभी के खातिर जो सजा हम सही मानो जात को मिलने वाली थी, वो सजा यीशु पापा ने अपने पर लिया। क्यों? क्योंकि यीशु ने हमसे प्यार किया है, उसने हम सभी से प्रेम किया है। उसका प्रेम बहुत बड़ा है, उसका प्रेम बहुत ही बड़ा है। मेरे प्रियजनों, उस पिता का प्रेम व्यर्थ न करो, उसका लोभ व्यर्थ न करो। प्रार्थनाओं में रुकावटें इसलिए आती है क्योंकि हम उसके वचन पर नहीं चलते हैं। उसके लहू के में कदर करना व्यर्थ नहीं करना। प्रभु ने हमसे प्यार किया है। मेरे नवाज भाई भाई का कत्ल कर डालते हैं धन दौलत के चक्कर में, तो जरा सोचो आपके लिए कौन कोड़े खाएगा, आपके लिए कौन लहू बहाएगा, आपके लिए कौन मुँह पर थुकवाएगा। सिर्फ एक ही परमेश्वर, एक लौता पुत्र यीशु मसीह, जिसने हम सभी के लिए कोड़े खाए, मार खाई, बेइज्जती सहा, दुख सहा, दर्द सहा। इतना प्रेम प्रभु ने हमसे सबसे प्यार किया। उसने कहा, हे पिता, इन्हें माफ कर दे, इन्हें क्षमा कर दे, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। मेरे प्रियजनों, पिता ने हम सभी से प्यार किया है, यीशु ने हम सभी से प्यार किया है। मेरे प्रियजनों, यदि आप दुख में हो, तकलीफ में हो, समस्याओं में हो, बीमारी में हो, गरीबी में हो, उदासी में हो, बेचैनी में हो, डरे हुए घबराए, तो आज आपको परमेश्वर से बताना है, आपको यीशु मसीह से बोलना है, वो जीवते परमेश्वर से बताना है। वो इतना महान परमेश्वर, दयालु परमेश्वर है, आपके आंसुओं को पोछेगा, आपकी गरीबी को, आपकी तंगी को, परेशानी को हमारा परमेश्वर जड़ से खत्म कर देगा। हमें विश्वास करना है, विश्वास करने की आवश्यकताएं हैं, जरूरतें हैं। यीशु ने कहा है, मैं तुझसे प्यार करता हूँ, ए मेरी बेटी, मेरी बेटियों, उदास निराश क्यों होते हो? प्रभु ने कहा है, चिंता करके ये मत कहना कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। प्रभु ने कहा है, इन पक्षियों पे ध्यान दो, वे ना तो बोते हैं और ना तो काटते हैं, तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है। तुम तो उनसे अधिक बहुमूल्य हो, मूल्य हो, क्योंकि तुम्हारे हाथ पैर दिए हैं। परमेश्वर ने बोलने के लिए मुँह दिया है, काम करने के लिए हाथ पैर है। प्रभु ने कहा, तुम तो उनसे बहुमूल्य हो। आप प्रभु के वचनों पर चलिए। मेरे प्रियजनों, यीशु ने हम सभी से प्यार किया है, उसने कोड़े खाए, मार खाए। मेरे प्रियजनों, यदि आप किसी भी हालात में हैं, बुरे विचारों में हैं, यदि आपको चंगाई नहीं मिली, परमेश्वर आपको चंगाई देगा, हीलिंग देगा, छुटकारे देगा, बड़े कामों को प्रभु करेगा आपके जीवन में। यीशु ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ। मेरे प्रियजनों, यीशु मसीह ने कहा है, मैं तेरे मांगने से पहले जानता हूँ तेरी क्या इच्छाएं हैं, क्या आवश्यकताएं हैं, क्या जरूरतें हैं। मेरे प्रियजनों, परमेश्वर जानता है, वो देगा। हमें प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करना है, इस प्रार्थना को पूरा सुनना है और लास्ट में आमीन बोल के रिसीव करना है। जब आमीन बोलते हैं तो प्रार्थना पूरी हो जाती है और सर्वशक्तिमान परमेश्वर के पास पहुंच जाती है और परमेश्वर अपने हिसाब किताब से उसका उत्तर भी दे देता है, ठीक है? हमें प्रार्थना में जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है? हिसाब किताब से प्रार्थना का इंतजार करना है, ठीक है? इस प्रार्थना को आगमन करके सुना है, काट पिट के नहीं देखना है। चलिए प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, पवित्र आत्मा जी, मेरे प्रभु, आपकी महिमा करते, आपकी बड़ाई करते, आपकी जय जयकार करते। मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, मेरे पिता, इसके लिए पिता हम आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। मेरे पिता, ऐसे बहुत सारे लोग होंगे पिता जो आपको नहीं जानते होंगे पिता, जो मर गए होंगे, जो अपने माता पिता से, भाई बहनों से, घर मोहल्लों से, मेरे प्रभु, वे बिछड़ गएंगे पिता। वे एक ऐसे स्थान पर चले गएंगे जहाँ की आग नहीं बुझती है, जहाँ के कीड़े कभी नहीं मरते। मेरे पिता, जो आपने मेरे पिता हम सभी को जीवतों के बीच में जीवित रखा है, संभाल के रखा है, सुरक्षित रखा है, अपने पंखों की आड़ में छिपा के रखा है, मेरे प्रभु, इसके लिए पिता आपका कोटि कोटि धन्यवाद करते। पिता, आपने कहा है, मैंने तुझे माता के गर्भ से ही चुना है, मैंने तेरा नाम लेके बुलाया है, तू मेरा ही है, तू मेरी पुत्र है,
तू मेरी पुत्री है, ऐ मेरे पुत्र, ऐ मेरी पुत्री हो, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। प्रभु ने कहा, ऐ बहुत से तुम्हें मानने वाले लोगों, तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, ऐसी शांति देता हूँ। ऐ जगत में मानने हुए लोगों, मेरे पास आओ। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो बोझ में है, जो गुनाहों में जकड़े हैं, मेरे यीशु पापा, जो हम सभी मसीह भाई बहनों से पाप गलती गुनाह हुए हैं, सूरजा हम माफ करिए, क्षमा करिए पिता, क्योंकि आप ही के पास ये अधिकार है पिता, कि आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं। हे रब्बी, हे मेरे पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, हे पिता, हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर पिता। हम मनुष्य निर्बल कमजोर है पिता, हम सभी पाप में गिर सकते, टूट सकते, बिखर सकते हैं। मेरे पिता, आप माफ करें, आप क्षमा करें, मेरे राजाओं के राजा। मेरे पिता, आप महान है प्रभु, आप जीवित हैं, आप दयालु हैं। मेरे पिता, आप ही के पास यह अधिकार है कि आप हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर सकते हैं। हे राजाओं के राजा, दाऊद के संतान, हम सभी के ऊपर अनुग्रह कर पिता। हे दाऊद के संतान, अनुग्रह कीजिए। हे परमेश्वर, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के ऊपर अनुग्रह कीजिए, अपनी बड़ी दया के अनुसार हम सभी के अपराधों को, गुनाहों को क्षमा कर दीजिए। हे प्रभु, हम सभी के ऊपर अनुग्रह करें, दया करें, राजाओं के राजा। हे याहूर यरीहो यरी, मेरे अब्बा पिता, मेरे परमेश्वर, दया करें। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो हॉस्पिटल में एडमिट है, जो खाट पे, जो बेड पे पड़े रो रहे, बिलख रहे, चिल्ला रहे, मेरे पिता, ये सब कुछ छोड़ छाड़ के मेरे पिता आपके पीछे है। मेरे प्रभु, आप इनका जीवन संभालिए पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता, ये टूटने बिखरने ना पाए मेरे पिता। मेरे प्रभु, इन्हें आजाद कीजिए, इन्हें कैंसर की गिल्टी, रसौलिया, पथरिया, ट्यूमर है पिता, हर प्रकार की बीमारी में जकड़े, यीशु राजा आपके नाम से आजाद हो जाए, चंगे हो जाए, हील हो जाए, रिलीज हो जाए, रिलीज हो जाए इनके जीवन में, उस आशीष से, स्वर्ग से आशीष से रिलीज हो जाए, स्वर्ग से आशीष रिलीज हो जाए, आउट हो जाए गंदी आत्माएं, दुष्ट आत्माएं इनके घरों से, इनके जीवन से, भागे सुना श्री के नाम में आजाद हो जाए, हील हो जाए, रिहा हो जाए, फ्री हो जाए, राइट नाउ करता हूँ सुना श्री के नाम में। हर एक जादू टोना को मैं जलाता हूँ, हर एक जादू टोना को मैं जलाता हूँ, हर एक अंधकार की गंदी आत्माओं को मैं जलाता हूँ सुनासरी के नाम में। मेरे प्रभु, आजाद हो जाए, स्वर्ग से सामर्थ्य रिलीज हो जाए सुनासरी के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो गरीब है, जो लाचार है पिता परमेश्वर, जो कमाने नहीं पिता, जो 100-200 रुपए पे पिता, 1000 रुपए पर उधार ले रहे, हाथ फैला रहे, मेरे पिता, ये आपका वचन कहता है, मांगोगे तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तुम पाओगे, खटखटाओ तो पहले खोल दिया जाएंगे, आशीष के दर्जे। मेरे पिता, मैं मांगता, ढूंढता हूँ, खटखटाता हूँ तमाम मसीह भाई बहनों के लिए। मेरे पिता, इनके घरों के ऊपर पिता आशीष से उंडेल दीजिए पिता, बरकतें उंडेल दीजिए पिता, तंगी परेशानी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए मेरे पिता, ये सबको छोड़ छाड़ के मेरे पिता, ये आपके पीछे है मेरे पिता, आप इनका जीवन संभालिए मेरे राजाओं के राजा। मेरे पिता, बंद आशीष से खुल जाए, बंद आशीष के दरजे खुल जाए, ओपन द डोर, ओपन द डोर, ओ दरवाजे खुल जाए सुनासरी के नाम में। पवित्र आत्मा जी आशीष दीजिए मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जिन घर में लड़ा झगड़े होते हैं दुष्ट आत्मा के बंधन, वो लड़ा झगड़ा बंद हो जाए और ये आजाद होने पाए यीशु के नाम में। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ, जो मसीह पर रात में नहीं सो पाते हैं, जिनको डर लगता, भय लगता, प्रभु आपका वचन कहता है, जब तू लेटेगा तब तू भय न खाएगा, जब तू लेटेगा तब तू सुख की नींद आएगी। पिता, मुझे ऐसा विश्वास है यीशु राजा, आपने प्राणों को सुना है, ये छोटी सी भी तो उद्धार करता है, यीशु नासरी के नाम में मांगते, सुनिए और कबूल करिएगा, आमीन।